प्यार के नाम पे आज तक सिर्फ चैरिटी किए तूने मुझ पे, इन खोखली बातों का कोई असर नहीं होगा मुझ पे। इन्होंने कंपनी में पोजीशन कुछ एक थाल में बिछा के, एक बार फिर से साविया आई नित्यम के पास। रश्म ने की जान लेने की कोशिश। कल इस टीवी शो सावी की सवारी के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे सावी एक बार फिर से नित्यम के पास आती है। सावी नित्यम के ऑफिस में होती है, नित्यम पलट कर भी सावी को नहीं देखता है और नित्यम पूछता है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो, दो दिन में तो तुम्हारी और मानव की शादी है ना। सावी नित्यम को बोलती है कि वो यहाँ नित्यम के लिए नहीं बल्कि रक्षम के लिए आई हुई है। सावी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि रक्षम भैया अभी भी नॉर्मल नहीं है। इस पर नित्यम गुस्से में बोलता है कि मैंने उन्हें नॉर्मल करने के लिए सब कुछ किया, कंपनी में पोजीशन दी, इज्जत दी, सब कुछ थाली में सजा कर दिया। रक्षम नित्यम और सावी की अधूरी कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है और रक्षम नित्यम के पास आकर बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये खोखला। रक्षम घर जाता है, शराब के नशे में धुत होता है और वो हर चीज को गलत एंगल से सोच रहा होता है और साथ ही रक्षम अपनी जान लेने की कोशिश करता है। डिम्पी दाल में रक्षम की हालत को अपने सामने देख रही होती है लेकिन ना तो वो रक्षम को समझाती है और ना ही उसे रोकती है। डिम्पी तो चाहती है कि रक्षम कोई गलत कदम उठाए। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सच में रक्षम उठाएगा कोई गलत कदम। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।